हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के डेल्टा ये कनेक्शन हमारे करके पास बताऊंगा कि कैसे डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। 2511 का ट्रांसफार्मर है। इसके मैं आपको डेल्टा कनेक्शन करके बताता हूँ, और हम इसके डेल्टा कनेक्शन SRT ट्यूब की मदद से करेंगे, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और ये अंदर से होल होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा जो ये ए लिम है, ये बी लिम है, ये सी लिम है, ये A1 का टर्मिनल हमारा सीधा C2 में पहुँचे जाके, और A2 का टर्मिनल हमारा B1 में पहुँचे, और B2 का टर्मिनल हमारा C1 में जाके पहुँचे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ए लिम है, ये A1 हमारा इसका टर्मिनल। यहाँ से हम इसको वायर की सहायता से सीधे सी लिम के सेकंड टर्मिनल में जोड़ देंगे, और वैसे ही दूसरे में ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा A2 टर्मिनल, इसकी मदद से हम इसको यहाँ पहुँचा सकते हैं। ये हमने दूसरी SRT बी फेस के लिए डाल दी है। यहाँ से हमारा A2 टर्मिनल हमारा B1 तक पहुँच जाएगा, और वैसे ही B2 टर्मिनल इसी की मदद से हम सीधा C2 में पहुँचा देंगे। अब हम इसमें होल्स निकालेंगे ताकि हम इसमें वायर्स डाल सकें, और इसके नाप की हम वायर भी काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी तीन तारे काट दिए हैं इसका डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए। ये एनमल्ड कॉपर वायर की हैं, और इसका इंसुलेशन दोनों साइड से हमने रिमूव कर दिया है। इसका इंसुलेशन रिमूव कर दिया है, और SRT ट्यूब में हमने छोटे छोटे होल बना दिए हैं, छोटे छोटे होल बना दिए हैं वायर डालने के लिए, जिससे हम A1 और C2 तक पहुंचाएंगे इसको, और A2 को B1 तक पहुंचाएंगे, और B2 को हम सीधा C1 तक पहुंचाएंगे, और यहां से हमारे RYB तीन कनेक्शन निकल जाएंगे डेल्टा साइड के। फ्रेंड्स, हमने RYB तीनों फेसों के लिए तीन कंडक्टर काट लिए हैं, जो हमारे मेन लाइन के कंडक्टर होंगे, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से ऊपर डाल देंगे। और इसके साथ अब हम इसको ट्विस्ट कर देंगे। अब हम इसको इसके साथ ट्विस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। जो हमने डेल्टा कनेक्शन के लिए हमने तारे डाली थी, उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे तीनों फेसों के। वैसे ही तीसरे फेस की भी
अब फ्रेंड्स हमने ये A1 टर्मिनल हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है। पहले हम इसका स्लीव से इतना इंसुलेशन रिमूव करेंगे। जब हमारा सभी वायर्स का इंसुलेशन रिमूव हो चुका है, अब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। वैसे ही इसको इसके साथ और बी लिम को बी फेस के वायर के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे डेल्टा कनेक्शन बन चुके हैं। हमने दोनों कॉइल के स्टार स्टार टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया है तीनों लिम के, जिससे कि इसकी कनेक्टिविटी बन चुकी है। सीरीज में जुड़ चुके हैं कॉइल, ये तीनों आपस में सीरीज में जुड़ चुके हैं और हमने इसके डेल्टा कनेक्शन कर दिए हैं। ये हमारा ए लिंब है, ये बी लिंब, ये सी लिंब, ये हमारा A1 टर्मिनल, ये A2 टर्मिनल। हमने A1 टर्मिनल को सीधा SRT ट्यूब की मदद से C2 के साथ कनेक्ट किया है और A2 टर्मिनल को हमने सीधा B1 के साथ कनेक्ट किया है और B2 टर्मिनल को हमने C1 के साथ कनेक्ट किया है और यहीं से हमने RYB तीनों फेसों के लिए ऊपर के लिए वायर्स निकाल दिए। ये हमारा R फेस है, ये Y फेस और ये B फेस। अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे ताकि ये और स्ट्रॉन्ग जॉइंट हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये ट्रांसफार्मर टोटल डेल्टा बनकर तैयार हो चुका है। और ये इसके टर्मिनल निकल चुके हैं, ये R फेस के लिए, ये Y फेस के लिए और ये B फेस के लिए। और यहाँ पर ये कोर्स इसकी डल चुकी हैं और ये स्टार पॉइंट बन गया है इसका, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा R, ये Y और ये B और ये यहाँ पर हमारा न्यूट्रल आ चुका है, जो हमने तीनों LTO को एक एक टर्मिनल को शॉर्ट किया है।